गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, और उसका जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने ड्राइव किया था, दैट इज़ के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये जो एक्स है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चाहते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग द एक्सिस। ये हमने लास्ट पढ़ा था, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। अच्छा, आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है कि अगर वो रिंग पूरा ना हो, आधी हो, क्वार्टर हो, कुछ एंगल गिवन हो, तो उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वार्टर ऑफ रिंग है ऐसे, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट द सेंटर। ये क्वार्टर ऑफ द रिंग है और जो इस पे चार्ज है वो हम ये मान लेते हैं कि इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेथड इसको करने का वही है कि हम थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सी पे, तो हमने थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, छोटा सा डी थीटा, और ये इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा फिर आर डी थीटा। ये इतनी छोटी सी लंबाई है जो वो आर डी थीटा हो जाएगी। तो इस छोटे से पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आर डी थीटा ये है, तो डी क्यू कितना आ गया, ये जो छोटा सा यहाँ पे चार्ज बनेगा ये चार्ज कितना आ गया डी क्यू आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ये हो जाएगी, और अगर ये एंगल थीटा माना तो ये भी थीटा हो गया, और ये डी ई छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, डी ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू कितना है के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन में दैट इज डी ई कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा, ठीक है, ऐसे ब्रेक करनी पड़ेगी हमें। तो ये जो डी ई कॉस थीटा आ गया, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो डी ई की जगह मेरे पास आ गया के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री का है ना, क्वार्टर ऑफ द रिंग है, तो 90 डिग्री दैट इज़ π/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये इसकी लिमिट है। तो इसको सॉल्व करो, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, और इस पर हम लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। ये तो डी ई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ऐसे ही डी ई साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए हमें, डी ई साइन थीटा की वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा, और लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेके π/2 तक। तो इसको सॉल्व किया तो के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस कॉस थीटा, तो आ गया मेरे पास माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा, और ये 0 से π/2 तक की इस पर लिमिट लगा देते हैं, वो नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, ये नेगेटिव कहाँ से आया, क्योंकि साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, तो वो माइनस मैंने बाहर लगा लिया, ये इस पर मॉडुलस नहीं है मतलब मैं वो उसको मॉडुलस नहीं ले रहा, जस्ट ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर, और कॉस 90 डिग्री कितना आता है 0, कॉस 0 होता है -1, तो कितना आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर।
तो बेसिकली जो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी आ गई? ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पूरे रिंग की वजह से? के लैम्डा अपॉन आर। और इस डायरेक्शन में कितनी है? के लैम्डा अपॉन आर। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट ले लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो जो मेरे पास ई नेट आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2 के लैम्डा अपॉन आर, दैट्स ऑल, ये इतनी आ जाएगी। अब आप इसको खुद ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको खुद ट्राई करना। अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है तो, ठीक है, सेमी सर्कल है तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो आपको सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रेडियस क्या है। इसी तरह आप खुद ड्राइव करो इसको तो, और उसको निकालने की कोशिश कीजिए। और आंसर है जो उसका, वो आंसर मैं लिख देता हूँ, ई नेट की जो वैल्यू है वो आप क्या आनी चाहिए 2 के लैम्डा अपॉन आर। इसको खुद ट्राई कीजिए और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोर देखिए आगे हम इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक की जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हम कि भाई ये तो हम एक पर्टिकुलर एंगल लेके निकाल रहे हैं, अगर कोई भी एंगल गिवन हो तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर अ रिंग, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग का टुकड़ा है ऐसा, अब वो एंगल कोई भी गिवन हो, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है, सपोज हम मान लेते हैं अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर यहाँ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे इतना चार्ज फैला हुआ है, तो सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव कर लेते हैं एक बार, फिर जो फॉर्मूला आएगा वो हम याद रखेंगे और हर केस के लिए वो वैलिड है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार, सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो ये एंगल है ये अल्फ़ा बाई टू, और ये भी एंगल हो गया अल्फ़ा बाई टू। तो अब हम मैं इस लाइन से अब थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लूँगा, इस लाइन से ये थीटा, और यहाँ से जाके मैं डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, डी थीटा, ये रेडियस इसका आर ही गिवन है, ये एंगल है जो वो डी थीटा है। और ये कितना आ जाएगा, पूरी लंबाई ये आर डी थीटा, ठीक है। अब इस आर डी थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसकी ये डायरेक्शन होगी डी ई की, ठीक है, ऐसे। अगर ये एंगल है थीटा है तो यहाँ पे भी ये एंगल थीटा आ जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जो डी ई है वो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, पहले तो हम डी ई की वैल्यू लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी वजह से वो आ जाएगी मेरे पास के क्यू, क्यू कितना है लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर ने आर को मार लिया तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये मेरे पास डी ई की वैल्यू आ गई। अब देखो डी ई का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और एक आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ध्यान से देखो हर कॉम्पोनेंट के लिए जितना ये है उतना इधर भी तो आ जाएगा, एक उसका भी तो एक साइन थीटा आ जाएगा इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ रिंग का तो उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक उधर, वो दोनों साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ऑल डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, ये समझ आया बात कि हर क्यों वो कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि जितना रिंग का टुकड़ा इधर है उतना ही इधर है, तो हर एक इस टुकड़े के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक टुकड़ा बैठा है जो जो डी ई साइन थीटा की वैल्यू इस डायरेक्शन में लेके आए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी एक कॉम्पोनेंट वैल्यू इधर भी आएगी, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट कॉस थीटा वाले जुड़ते जाएंगे, तो जो मेरे पास ई नेट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास डी ई कॉस थीटा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अब ये लिमिट लेना इम्पॉर्टेंट है। देखो ये मेरा थीटा की वैल्यू 0 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है अल्फ़ा बाई टू,
बट इधर वाले कंपोनेंट को तो फिर हमने इधर वाले रिंग के इस पार्ट को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज़ीरो यहाँ से चल के यहाँ तक अल्फ़ा बाई टू होगी। तो उसको करने के लिए या तो मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़ीरो से अल्फ़ा बाई टू इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब समझ आया दो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आधा रिंग कवर नहीं हो रहा, सिर्फ मतलब थीटा ज़ीरो से लेके अल्फ़ा बाई टू तक आधा रिंग ही कवर हो रहा है, आधा आधा कंसिड्रेशन में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। या दूसरा मेथड होता कि दो से मल्टीप्लाई ना करो, थीटा की वैल्यू यहाँ से चलती है तो यहाँ तक अल्फ़ा बाई टू हो जाती है, और इधर पीछे जाएगी तो माइनस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगी। तो ये ज़ीरो से अल्फ़ा बाई टू अब मैं ले लेता हूँ, दो से मल्टीप्लाई करूँगा, या इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ माइनस अल्फ़ा बाई टू से लेके अल्फ़ा बाई टू तक डी ई कॉस थीटा। तो आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंस ये सेम बना रहा है। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, टू डी ई की वैल्यू आएगी के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर और ज़ीरो से लेके अल्फ़ा बाई टू तक। तो आया टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस साइन सॉरी साइन थीटा, और इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे ज़ीरो से लेके अल्फ़ा बाई टू। तो आया टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फ़ा बाई टू, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये ई नेट के लिए टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फ़ा बाई टू याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर। जैसे लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसमें अल्फ़ा क्या था, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू थी मेरे पास 90 डिग्री। अब इसमें आप पुट कीजिए, आपको बिल्कुल आंसर परफेक्ट मिलेगा ई नेट। तो आ गया मेरे पास 2 के लैम्डा अपॉन आर और साइन 90/2 क्या आ गया 45, तो वो हो जाएगा साइन 45 कितना आता है 1/√2। तो 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1/√2, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। तो आ गया मेरे पास √2 के लैम्डा अपॉन आर। हर एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 360 पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, नहीं फिर उसमें ये प्रॉपर नहीं आएगा उस केस में, नहीं ये पार्ट ऑफ द रिंग्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा हर एक केस में। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी एंगल हो सकता है, वो 53 हो 37 हो कुछ भी गिवन हो, आप उसके लिए निकाल सकते हो, 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो कोई भी हो। ठीक है, आपको बस साइन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब देखो आगे है जो, इसी में आगे चल के करते हैं, वो चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, यहाँ पे इसको करते हैं हम सॉल्व, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क। ये एज सच इसकी डेरिवेशन तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट भी इसका CBSE के लिए नहीं है, इसका रिजल्ट यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और वो भी बहुत कम बार आता है, बट इस रिज़ल्ट को यूज़ करके जो फर्दर हम रिज़ल्ट निकालेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए कि कैसे फॉर्मूला आया, इसमें सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे कि अच्छा ऐसा होता है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, मान लीजिए ये मेरे पास एक डिस्क है और इस पे जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा अगर मैं लीनियर चार्ज की बात करता हूँ तो उसे मैं लैम्डा से लिखता हूँ, अगर मैं एरियल चार्ज की बात करता हूँ किसी एरिया पे फैले हुए चार्ज को तो सिग्मा से लिखते हैं, और अगर मान लीजिए ये मेरे पास स्फीयर है और मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम के लिए हम रो कूलम पर मीटर क्यूब यूज़ करते हैं, यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये कूलम पर मीटर आ जाएगा, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है लैम्डा रो और सिग्मा से। तो ये मेरे पास क्योंकि डिस्क है, ठीक है, तो इसका एरिया है, तो एरिया पे ये कितना चार्ज आएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका रेडियस है जो वो आर गिवन है। तो इसके एक्सिस पे मतलब बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए इस डिस्क की वजह से। तो हमने क्या किया, इसको
आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट ले लिया, आर पे जाके डी आर का एक पतली सी स्ट्रिप काट ली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्क है वो रिंग से बनी हुई है, रिंग रिंग रिंग, ऐसे एक बहुत छोटा सा रिंग पॉइंट है, एक उसके ऊपर एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रिंग लगाते जाएंगे तो डिस्क बन जाएगी। तो ये आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होती है, समझे आप। ये डिस्क है और डिस्क का जो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है ऐसे बिल्कुल उस एक्सिस पे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे ऐसे यहाँ ऊपर आके, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें इस रिंग की वजह से, और सॉरी डिस्क की वजह से। तो आपने पहले रिंग की वजह से हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा पहले ये पता करते हैं कि इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, डी क्यू है मेरे पास, अगर मैं एरिया इनटू ये सिग्मा कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा। अब एरिया कितना है रिंग का, वो है मेरे पास 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो अगर मैं इस रिंग को काट के बाहर निकाल लूँ, ऐसे एक स्ट्रिप बना लूँ, तो ये ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी मोटाई कितनी है, डी आर, और इसका ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये एरिया आ गया ना स्ट्रिप का, एक ये मेरे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ गई, अगर मैं इसको काट के बाहर निकाल लूँ तो 2 पाई आर डी आर इंटू सिगमा, ये मेरे पास चार्ज आ गया इस पे रिंग पे। अब रिंग रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, डी ई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, वो होती है मेरे पास के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब क्यू कितना है, ये जो चार्ज है, तो वो मेरे पास आया के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो इसको अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, क्योंकि ये तो मैं एक एक रिंग की वजह से कर रहा हूँ। अब ये रिंग की जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो ये आर की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके कैपिटल आर तक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मेरे पास आ जाएगा ये जो कांस्टेंट टर्म्स है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सिग्मा इंटू के इंटू 2 पाई आर अपॉन, बस यही चीज़ें बाहर आएंगी, आ जाएगा एक्स एक्स इसमें कांस्टेंट है, 2 पाई इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट आएगी बाहर, इसमें आ जाएगा मेरे पास एक्स, एक्स तो कांस्टेंट है इसमें, एक्स आ जाएगा क्योंकि डी आर से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो आर डी आर अपॉन ये जो रिंग है, ये रिंग में ये स्मॉल आर आ जाएगा क्योंकि रिंग का रेडियस होता है ना यहाँ पे, तो स्मॉल आर आ जाएगा और ये भी स्मॉल आर आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर समझ आया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल आर तो पूरी डिस्क का रेडियस है, हम तो इस रिंग की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और उसमें फॉर्मूला में रिंग का रेडियस होता है वो है आर, और एक्स तो कॉन्स्टेंट टर्म है इसीलिए एक्स मैंने बाहर ले ली। तो इसको चाहे आप सॉल्व कर लेते हैं, ये सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स अपॉन के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कट गया तो 2 रह गए यहाँ पे, और ये है जो आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये 3/2, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब इसको ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ये इंटीग्रेशन मुश्किल इंटीग्रेशन होती है। तो इसको करने के लिए हमने एक मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड में भी आपने +1 में पढ़ा होगा, वही यूज़ करेंगे हम। इसको ऐसे यूज़ करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सपोज मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, आर से डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट किया, मैं ऐसे लिख लेता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन डी टी की, तो मेरे पास आ गया 2t dt अपॉन डी आर इज इक्वल टू एक्स तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगी और इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2r, आर ने आर को मार लिया तो t dt इज इक्वल टू आर डी आर आ गया मेरे पास। अब यही वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आ गया सिग्मा एक्स बाय 2 एप्साइलन नॉट, इसको सॉल्व किया था तो ये आ गया
और यहाँ पे आ गया आर डी आर की जगह मैं टी डी टी लिख लेता हूँ, टी डी टी। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इंटू 3/2, टू ने टू को मार लिया तो ये टी क्यूब रह गया। अच्छा, टी क्यूब ने एक टी को मार लिया तो यहाँ पे टी स्क्वायर बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम लिमिट्स ये आर से 0 से लेके आर नहीं पुट कर सकते, अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसमें लोअर लिमिट क्या थी, 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब अब लिमिट्स क्या आ जाएंगी मेरे पास, लिमिट आ जाएगी मेरे पास एक्स, क्योंकि स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो एक्स आ जाएगी। तो लोअर लिमिट तो आ गई मेरे पास एक्स, अपर लिमिट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये जो आर है इसकी जगह मैं ये आर पुट करूँगा। ऐसे लिमिट चेंज करते हैं क्योंकि हमने ये पूरे के पूरे जो वेरिएबल्स थे वो चेंज कर लिए, तो वेरिएबल्स के हिसाब से लिमिट्स भी तो चेंज होंगी। तो अब लोअर लिमिट पहले यहाँ पे 0 था, तो जो इसमें वेरिएबल है उसमें आप 0 पुट कर दो, जो आंसर आता है वो लोअर लिमिट बन गई। अब इसी में अब आप अपर लिमिट का ये चीज़ पुट कर दो, कैपिटल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर द रूट इज इक्वल टू टी, यहाँ पे भी टी, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। ये चीज़ सीखने लायक थी कि इसमें लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपर लिमिट आ गई मेरे पास। तो सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। समझ आया ये टी स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि एक टी इस क्यूब को मार देगी तो 2 रह जाएगा यहाँ पे। तो एक्स से लेके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक की लिमिट आ गई। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये मेरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी टी इंटू टी रेस टू पर -2, और यहाँ पे एक्स से लेके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक की लिमिट आ गई। तो -2 हम जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे टी रेस टू पर -2, -2 प्लस 1 इज -1, तो वो -1 नीचे आ जाएगा, -1/t, ये इसको इंटीग्रेट करने पे, और इसमें लिमिट्स आ जाएंगी एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली लिमिट्स पुट कर देंगे। तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जब नेगेटिव लगता है तो मैंने आपको बताया था लिमिट्स उल्टी पुट कर दो, तो 1/x माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब x को आप अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x अंदर लेके जाओगे तो 1/, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ये एक्सिस ऑफ द डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, CBSE में इसका कोई जिक्र भी नहीं होता, ठीक है, CBSE के लिए नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ख़ासकर JEE वगैरह में इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डिस्क पे। अब इस ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बोल रहा था, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया मेरे पास, जो फॉर्मूला आया मेरे पास वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ फॉर्मूला को, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया, एक्स ने एक्स को मार लिया तो ये मेरे पास बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इफ़ आर
आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन एक्स, अगर आर एक्स से बहुत बड़ा हो तो जो डिस्क है ना वो मेरी इनफाइनाइट शीट बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज डिस्क विल एक्ट, डिस्क विल एक्ट एज इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट। तो जो मेरी अब मैं जो इस फॉर्मूला से जो चीज़ बना के लेके आऊँगा वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। और ये चीज़ कुछ ऐसे ऐसे बन जाती है, जैसे ये मेरे पास एक डिस्क है, सॉरी ये शीट है और ये चार्ट है, चार्ज है इस पर, चार्ज है ठीक है, और चार्ज इस पर वही सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये चार्ज है इस पर डिस्क पे ठीक है। तो इस डिस्क की वजह से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनफाइनाइट एज सच कोई चीज़ नहीं होती, मेरा हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है ठीक है। तो ये जो डिस्क है अगर इसका रेडियस एक्स के मुकाबले बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक डिस्क है, चार्ज डिस्क है और इसका रेडियस है जो वो आर मान लेते हैं हम आर, और इससे बिल्कुल मान लीजिए 0.00001 सेंटीमीटर या एमएम की दूरी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, तो उस डिस्टेंस के लिए, ये मैं ऐसे बात कर रहा हूं, अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ यहां से थोड़ा सा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और ये जो पूरी डिस्क है ये एक इनफाइनाइट शीट बन जाएगी उस छोटे से डिस्टेंस के लिए, अदरवाइज़ ये इनफाइनाइट नहीं है, बट वो इनफाइनाइट बिहेव करेगी किसके लिए, जब मैं इसके मुकाबले ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा लेता हूँ ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। तो जब मैं, क्योंकि आर इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एक्स है ठीक है, तो जो मेरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अब आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स है वो तो बहुत छोटा है आर से, तो ये वाली जो टर्म है ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, एंड 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, समझ आया, क्यों, क्योंकि आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन एक्स ये हमने माना है। तो जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूँ 5000 डिवाइडेड बाय 0.00000001 ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी ना ऊपर वाली, वैसी चीज़ है ये, तो 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी टर्म इन्फिनिटी, तो वो भी क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा ई नेट का, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ठीक है। इस फॉर्मूले को हम बहुत डिटेल में आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर से इसको बैठ के ट्राई करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे रिंग है ठीक है, रेडियस इसका आर है और इस पे जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, बट ये जो चार्ज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है, ये यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 चार्ज है ठीक है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है सेंटर पे, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका 2√2 kλ/r ये है ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए और इसके साथ मैच कीजिए, फिर मेरे को आप अपने चैट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना, मैं आपको इसका सलूशन दे दूँगा ठीक है। थैंक यू।